मेरा काम है, मैं छेड़ रहा हूँ। अप्लाइंट इनका रोपवे का काम किया है, रोपवे आपसे मिला दिया। अब रोपवे आप मेरे को ये नहीं बोले आप बड़े तोप है, लेकिन रोपवे मेरे को ये नहीं बोले कि आप तोप है, आप एम एल ए आप एम एल ए ये नहीं बोले। रोपवे क्या आए, रोपवे ये नहीं बोले आरोप आप लेडीज जानते रोपवे ये नहीं बोले, रोपवे आपको बोले। मैं जिसको बता रहा हूँ बहुत पागल है, लोगों की जिंदगी बदलने में मदद कर। लोगों की जिंदगी बदलने में मदद तो आपका ऐसे कि क्या होगा। अब मेरा राइटर कोई नहीं बदल रहा, मेरा पीडी कोई नहीं बदल रहा। अगर वही की बात होगी मेरे आगे बोल मैं किस तो मैं वो क्यों अप्लाई नहीं लाइक कर रहा हूँ, मेरे अकाई से बिजनेस चल रहा है, मेरे अप्लाई मेरे को बिजनेस बता रहा है, बिजनेस चल रहा है मेरी जिंदगी आज भी कल बताने आओगे नहीं चल रहा हूँ। मैं अप्लाई नहीं तारीफ करूँ, अब मैं भी तारीफ कर देता हूँ, आपके सामने भी तारीफ करके बता रहा हूँ। अब मेरा नाम मैं बता रहा हूँ, हाँ हाँ देख सकते सर क्या कर रहा है आपको क्या कर रहा है। हाँ अरे वो कारोबार से ज़बरदस्त मेरे भी कहीं देखता हूँ तो बहुत ढील जरा है और मान लीजिए आदत ये क्या हो गया, रिलेशन बिल्ड हो गया। अब रिलेशन बिल्ड हो गया फास्ट में इसके बारे में बात कर लिया, उसके बाद में बुक निकाला किसी को हुआ नहीं, जितने भी लोग चेक देते गए ये प्रूवन है, जितने भी लोग चेक दे गए। अब हम कितना से कर रहा मेरे बीवी से क्या हो गया वो सो गया मेरे बीवी से कहा चल रहा आप बता दो, फिर मेरे कुछ नहीं आ रहा ठीक है। अब ऑनलाइन का चेक दे गए कब आ गया, अरे मुझे 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 बाधा तेईस फायदा हुआ, दो भी तरफ नुकसान हुआ ना। तो मैं देखूँ इसको कंपनी बोली एल लो बी कर लो लीडरशिप वगैरह नहीं बोल रहा हूँ, 2 रुपये 40 पैसे के साथ इनकम देखिए आपको 2 रुपये 40 पैसे बहुत बड़ी इनकम होगी। सिल्वर डायरेक्टर पे आप जो है ना 30 से 40 लाख कमाते, आपका पूरा फोकस कहाँ है ना एल लो बी पर, मेरे को एल लो बी कैसा निकलना, एल लो बी निकलने के लिए ये ब्रॉन्ज बन जाना, एल लो बी निकलने के लिए इनू सिल्वर बन जाना, एल लो बी बनने के लिए इनू गोल्ड बन जाना। मैं साइड मेंटेन कर लेना 18 बस, मैं सिल्वर हो गया 18 रुपये मेंटेन कर लिया 2100 रुपये डबल। अब यहाँ पर इनको अगर भी आ गए 20 से 30 साल पर चेक आ गया, इससे वो फोकस है, फोकस है सिंगल फोकस अपने चेक के ऊपर ये काम होता है। तो सारे चीज़ों को रिलीज करिए सिंगल फोकस 5% से आज शुरुआत हुई आपकी होगा नया भी है आपके लिए।
बिस्मिल्लाह बोलिए, दो रकात शुक्राना अदा करिए। इस चीज़ हमारी रह में आया है, आप उम्मीद है कई सालों की जिंदगी बैठे तो हमारी तो ये हमारे साथ नहीं होगा। इतने सारे लोगों के साथ हुआ तो हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं होने वाले थे, ना हमारे क्लाइंट जो है, ना हमारी टीम जो है, हमारे साथ भी हो सकता है। जहाँ पे करेक्शन करना था वो करेक्शन कर लेते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। बिस्मिल्लाह बोलिए, एक बेहतरीन मीटिंग प्लान करिए, अगर सर के साथ बात करिए हो जाता है। हर अप्लाइन को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, हर अप्लाइन तैयार है। कोई अप्लाइन कभी बोला गया डिस्ट्रीब्यूटर बिल्डिंग में जिनसे बात करना ग्रोथ नहीं होगी, वो तो आओ ना को आओ ना को आओ बोलेगा, क्यों हमेशा तैयार है, आओ बात करेंगे, कल में परसों माँ पर आओ बात करेंगे। उन्होंने फिक्र रहती है, अप्लाई को फिक्र रहती है, काम कर रहा है, आज शोएब में फ़ोन करेगा, कोई करेगा आपको, अब आओ बात करें। नहीं मैं दर्द बता मेरे लिए भी दर्द है, फिर वो दर्द होती है हर टीम के, वो लगता आ रही थी बहने और वो अलग चीज़ें, लेकिन अपलाइन को बहुत ज़्यादा दर्द लगा कि बनने का क्यों नहीं बना। और अपलाइन हो गया, अपलाइन पूछते आप मेरे को यही दिमाग देंगे, आप मेरे को सारे लोग आप पूछते इनका क्या हुआ, इनका क्या हुआ, पूरी टीम के मेरे जितने लोग आप जितते उन लोगों के बारे में मेरा सिंगल अपलाइन नीचे से लेकर चरण सर तक का पूछते हैं। कभी भी बात हुई तो अरे क्या हुआ जी, मैं जवाबदारी देना है, मेरे जवाब आंसर देना है ना, आंसर को क्वेश्चन में जवाब देना है, कैसा दूँ आंसर होगा, आंसर ठीक है, काम करो पास करो, काम करो पास करो, आप लाइन भी होगा। उन लोग का पूछने का मतलब क्या है भाई, आप सुनिए और अगर लगता है लोग बोल रहे हैं मैं कुछ बात कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता, तैयार है अपलाइन इन शाला स्टार्ट करते फाइव परसेंट से, एक बार कुछ भी नहीं ड्रिम्स के ऊपर नजर मारिए, ड्रिम्स को क्लियर करिए, ड्रिम्स क्लियर करके इंशाल्लाह आज 5% की नियत से स्टार्ट करिए। आज ही आपकी बिस्मिल्लाह हुई, बिल्कुल शाही नहीं आज ही गलत हुआ बोले तो फिर से वेलकम कर दूँ, जो अपने आग लगाना है ये मैंने भी जान लिया, और कर सकते हैं भैया अपन, बड़ी बात नहीं है, तुम दिलते ले गए और बोलो तुम दिलते लिया तो तुम्हारे सामने अपना बच्चे हैं, सही बोलो ना, सीरियसली कर सकते हैं, आपके पास वो अल्हम्दुलिल्लाह है, बस आपको जो है ना डगमगा गया इधर या इधर ये या ये माइनस नहीं होगा यहाँ से, खलास वो चीज़ नहीं होने वाली है, टाइम लग जाएगा, नहीं वो तो चले दो उसको डिस्टर्ब मत करो, फोकस अपने बच्चों। सर अभी नेक्स्ट क्या करना है, अभी आज नहीं जॉइन हुए, सबसे पहले ड्यू आपको एक ही काम करना है, ड्रीम आपका डिफाइन करना, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सेकेंड उसके बाद उसके गोल सेट करिए, कौन सा चीज़ कब तक होना है आपको, यहाँ से 3 महीने में कितनी इनकम होना है, 6 महीने में कितनी इनकम होना है, आपके घर में क्या चीज़ की ज़रूरत है, चेक करिए वो चीज़ कब तक लाना है आपको, आपके बच्चों से अनाउंस करिए, उनके बच्चे तो क्या होना है बेटा, उनसे पूछिए मैं लेकर आगे बताऊँ, वाइफ है तो वाइफ को पूछिए नया फोन होना है, कौसा होना है, कितने का है, फॉलो कर लीजिए, ठीक है 2 महीने में आपको ये फोन आगे दे रहा हूँ, मीटिंगों में अनाउंस करिए मैं नेक्स्ट लेवल पे जा रहा हूँ, मैं ग्राउंड लेवल से बोल जा रहा हूँ, बोल जा रहा हूँ, मैं ग्राउंड डायरेक्टर जा रहा हूँ, लोगों के साथ बताइए, नहीं हो रहा है तो लोगों में अनाउंस करना शुरू कर दूँगा। दूसरा काम लिस्ट बनाइए, एक लिस्ट बनाइए कितने लोगों की बना सकते हैं, 30 जनों की बनाइए, 100 जनों की बनाइए, रॉ मटेरियल है आप कितने चाहे बना सकते, लिस्ट बनाइए अपने लेवल से, अपने लेवल के ऊपर के लोगों की लिस्ट बनाइए, ठीक है उसमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, खाली लिस्ट बनाइए, नाम नंबर उनका एड्रेस कहाँ पे थे, जहाँ पे भी मीटिंग है वहाँ पे उनको मीटिंग में कनेक्ट करिए। तीसरा काम क्या करना है आपको, आपको कॉन्टैक्ट इनवाइट, इन्विटेशन का बहुत ही सिंपल तरीका है, लोगों को जो लोग हैं उनके हिसाब से बात करना है, फ़ोन करके भाई ये बिजनेस के बारे में बात करना है और नहीं बोलना है, फ़ोन करके उनको पहले रिलेशन बिल्ड करना है, अगर किसी से 6 महीने से बात नहीं होगी तो पहले लेना है कैसे क्या है पूछना है आपको, ठीक है उसके बाद में फिर दूसरा कॉल देगा, फिर तीसरा कॉल देगा, उसके बाद चौथा जब कॉल देगा तब उसको पूछना है कहाँ है बिजी है क्या, 2 मिनट बात करना कर सकते हैं। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करा, बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है जिस पे काम करके आने वाले 1-2 साल में आप महीना 50,000 से 1,00,000 रुपये कमा सकते हैं। क्या करना है मिलो बात करिए, कल शाम में 7 बजे मिली गया, परसों 11 बजे मिलेगी, टाइम आपको देना है, आप कब फ्री है मिल सकते हैं क्या, ये निगेटिव क्वेश्चन आना भी नहीं है, आप बिजी है, आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ये सोच लीजिए, 3,000 करोड़ की कंपनी के साथ आप जो है ना जुड़े हुए हैं तो आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे हैं, आपका टाइम कीमती है ना कि सामने वाले का, तो आपको टाइम देना है उससे, आपका टाइम उसको देना है, उससे टाइम नहीं ले रहे आप, आपका फ्री है बोलो आप तो नहीं बोल रहे, आप ये बोले कि कल शाम में 7 बजे या परसों 11 बजे मिलेंगे, अपन मिलिए इसके ऊपर बात करेंगे, फोन पर मैंने समझा सकता समझाया भी तो आपको समझ में नहीं आता,
आप वैल्यू क्रिएट कर दो, कोई भी चीज़ जो है ना लोग वैल्यूबल चीज़ लेना पसंद करते हैं, नीचे गिरी हुई चीज़ कोई मिलेगा पसंद करता और कोई भी नहीं होता। रोड पे रखे हुआ भी सामान बिकता ना 5 रुपये 10 रुपये 5 रुपये का, वही चीज़ को उठा के शोरूम पे रख दो, वो 100-150 रुपये में बेच सकते हैं। नहीं है कि मेरा ग्लास की दुकान है माशाल्लाह, स्पेक्स बेचते हो, स्पेक्स का शोरूम है, तो पूछिए उससे 100 रुपये में भी स्पेक्स रोड पर थैली बेचता है, वही स्पेक्स होता है 600 रुपये में 700 रुपये में बेचते हैं, ले रहा था ले रहा हूँ, वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। तो इस तरह से बिल्डिंग की वैल्यू क्रिएट करना है, अप्लाइंस की वैल्यू क्रिएट करना है, अपने बिजनेस की वैल्यू क्रिएट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी भी ऊपर जा रहे प्लान बता दे रहे हो, उन्हें बुलाते हैं, नहीं मैं आज थोड़ा सा बिजी हूँ, नेक्स्ट टाइम में करेंगे, ठीक है। बिल्डिंग की वैल्यू एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी आ रही कल, जो कि इंटरनेशनल लेवल के स्पीकर है, उनकी कई सारे लोगों की उन्हें मदद करते पैसे कमाने में, लोगों की जिंदगियाँ बदलने में, वैसे अच्छे से मैं आपको मिलाने वाला हूँ क्रिएटली। वो 2 बजे आने वाले हैं, तो आप अगर कंफर्म कर दिए तो मैं आपका कल का सीट जो है ना रिजर्व कर देता हूँ। अगर आप नहीं आ रहे तो मेरे को सुबह 10 बजे तक का बोल दीजिए, क्योंकि मैं आपकी जगह किसी और को वहाँ पे कनेक्ट करूँगा। आप नहीं आए तो आपकी टिकट आपकी रिजर्व हुई सीट खराब ना हो, किसी और को वहाँ पर अरेंज कर लूँ, इसीलिए आप मेरे को 10 बजे तक। तो उसको क्या हो गया, बिजनेस का डर भी हो गया, और वो कन्फर्मेशन भी आपको सुबह 10 बजे आ रहा नहीं आ रहा सुबह देगा। आप नहीं आ रहा बल्कि फोन करने से बेहतर क्या हो जाएगा, उन्हें डर के मैं ही कहाँ बोलूँ, बल्कि 2 बजे वो आ जाता है। तो वैल्यू क्रिएट करिए, कोई भी चीज़ वैल्यू होगी तो वो चीज़ 100% होगी। कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को इन्वाइट करिए, क्योंकि आप उनको वो मीटिंग में बुला रहे, अगर वो सीरियस होकर काम कर लिए तो उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है, ना कि आप नहीं, आपकी तो बदली ही बदली, साथ में उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है, उनको यहाँ से 50,000 रुपये कमाते हैं। ये काम कर लीजिए और प्लान बताना, जितना जल्दी आप सीख गए उतना ही जल्दी आप जो है ना बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। अपलाइन का सपोर्ट लेना है तो काउंसलिंग के लिए करिए, डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग के लिए करिए, सिस्टम के ऊपर बात करने के लिए करिए। अपलाइन को प्लान बताने ले जाना ये दुनिया का सबसे बड़ा महान बेकार काम है, नहीं पाप है, पाप है, ठीक है। 3-5 प्लान देख लिए अपलाइन के साथ, उसके बाद खुद का प्लान कर लेना है। ये बिजनेस किसका है, मेरा है, मेरा। अब मैं अपलाइन को लेके जाऊँगा प्लान बताने के लिए, इतना छोटा काम अपलाइन से कराऊँगा, अपलाइन से बड़ा काम कराऊँगा, जब चेक बड़ा होना है तो अपलाइन से बड़ा काम कराऊँगा, तो वो काम अपलाइन से करा लीजिए। अपलाइन का जो काम है वो लोग कब कर रहा है, कैसे करना है, बाखूबी कर रहे हो लोग। जब हमारे ज़रूरत है बड़े बड़े मीटिंग्स रख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग्स रख रहे हैं, जूम पे मीटिंग रख रहे हैं, प्रोडक्ट के लिए ब्रेडिंग रख रहे हैं, सब कर रहे हैं अपलाइन। अपलाइन को अपलाइन का काम करने दीजिए, हमारा काम क्या है प्लान बताना। अब डेली 2 प्लान का टारगेट लगा दीजिए, 2 ऑडियो का टारगेट, 2 प्लान, सिर्फ 2 प्लान, चलते फिरते हो जाते, बताना शुरू कर दीजिए। सोचिए मत इनको बताऊँगा आपको बताऊँगा, शुरू कर दीजिए। 8 से 10 प्लान खराब होते होंगे, लेकिन वो 8 से 10 में आप सीख जाते हैं। ये काम करते हुए आगे बढ़िए, साथ मिलकर काम करेंगे, ड्रीम डिफाइन करिए। थैंक यू सो मच।